हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है उसमें हमें फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर एम कोस वन अपॉन एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अलग टाइप का भी लग रहा होगा आपको। इसमें हमें इसने बोला है कि प्रूव करें, सिद्ध कीजिए कि एक्स जो है वो जीरो पर सतत है यदि एम ग्रेटर देन जीरो है। यानी कि इसने हमें क्वेश्चन में एक बात बोल दी कि आपका जो फंक्शन है वो जीरो पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये चीज कि जो एम है वो जीरो से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो हमें देखो कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास मेथड है हमें इसको उसी तरीके से करना है, उसी मेथड को जो है इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि गिवन हमें क्या है कि जो एफ एक्स है वो एक्स इक्वल्स टू जीरो पर एट एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जो फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस अगर होता है तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू, जीरो से कम पर वैल्यू और जीरो से ज़्यादा पर वैल्यू जो है वो क्या होती है, सेम होती है, ये हमें पता है। ठीक है, इसमें एल एच डी आर एच डी मत कर देना क्योंकि ये डिफरेंशिएशन नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी पे आ गया, 6.1 पे चला गया वापस। ठीक है, सो जीरो पर वैल्यू है तो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू उससे कम और ज़्यादा, यानी कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की ये बात कर रहा है, ये तीनों इक्वल है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर जीरो पर है क्या होगी, ये मैं देख लेता हूँ। फंक्शन की वैल्यू जीरो पर क्या होगी, जीरो होगी, ये मुझे पता चल गया। अब जीरो किसके इक्वल होगा, इसके भी और इसके भी। तो इन दोनों में से कोई एक हम चूज कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो दोनों में से कोई एक अपने को चूज करना है, तो मैं नेगेटिव वाला कर लेता हूँ, पॉजिटिव वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो एल एच एल की मैं बात करता हूँ, एल एच एल क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम पर हमें चेक करनी है। तो जीरो से कितना कम करेंगे, एच कम करेंगे, और एच किसको अप्रोच करता है, जीरो को, क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू एच हमारी होती है। तो फंक्शन की वैल्यू चाहिए जीरो माइनस एच पर। सो जीरो माइनस एच यानी कि जीरो से क्या हो गया, कम हो गया। जीरो से कम होते क्या चीज़ समझ में आ गई कि जीरो के इक्वल तो है नहीं, तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ जिधर भी एक्स दिखाई दे रहा है वहां जीरो माइनस एच कर दो, तो जीरो माइनस एच की पावर हो जाएगी एम कोस क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, यानी कि जीरो माइनस एच। जीरो का मतलब नहीं है यहाँ, क्या है, माइनस का एच है। तो माइनस को अगर आप बाहर कॉमन लेते हो तो माइनस वन की पावर कितनी आ जाएगी बाहर, एम आ जाएगी। ठीक है, और बच क्या आ जाएगा, एच की पावर एम। नहीं समझ में आई बात, दोबारा देखो, माइनस एच की पावर कितनी है एम। इसको इस टाइप से समझो कि अगर माइनस टू की स्क्वायर होती, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखते, माइनस वन इंटू में टू की स्क्वायर लिख सकते हो। माइनस वन इंटू में टू क्या होता है, माइनस टू। तो अब इसको स्क्वायर को अलग अलग करके लिख सकते हो, माइनस वन की स्क्वायर और टू की स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस वन की स्क्वायर, टू की स्क्वायर, जैसे इसको लिखा उसी टाइप से इसको आप लिख सकते हो, माइनस वन इंटू एच की पावर एम। सो माइनस वन की पावर एम और एच की पावर एम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये तो इस टाइप से इसको आप खोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रह गया, कोस वन अपॉन में क्या है, माइनस का एच है। अभी हमने करा था कि जो कोस माइनस थीटा होता है वो कोस प्लस थीटा के इक्वल होता है। सो इस माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस लिख सकता हूँ। एच की पावर क्या है, एम है। माइनस वन की पावर क्या है, एम है। लिमिट क्या है, एच टेंडिंग टू जीरो है। अब ध्यान देना, अगर इस लिमिट को मैं हटा देता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं इस लिमिट को हटाता हूँ तो यहाँ देखो ये तो फिक्स है, माइनस वन की पावर क्या है, एम है। तो ये मुझे क्या देगा, या तो माइनस वन देगा या प्लस वन देगा। अगर यहाँ तुम कोई भी इवन पावर करोगे, माइनस वन की स्क्वेयर करोगे, फोर करोगे, तो प्लस हो जाएगा। ओड पावर करोगे जैसे कि वन है, क्यूब है, फाइव है, तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस वन और वन प्लस वन आपके पास यहाँ से इस एलिमेंट से आ रहा है। अब अगर यहाँ आप देखो तो एच क्या है, लिमिट हटाने पर जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो। और उसकी पावर कितनी है, एम है। चलो इसे रखा रहने दो। कोस क्या है, वन अपॉन एच है, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वन अपॉन जीरो का मतलब क्या है, कोस इन्फिनिटी हो गया। लेकिन हमें एक चीज पता है कि जो कोस थीटा होता है उसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास बच क्या गया, लिमिट हटाने के बाद माइनस वन की पावर एम सेम आ गया, इंटू में जीरो की पावर क्या आ गई, एम आ गई, इंटू में कोस की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन माइनस वन से वन के बीच कोई एक वैल्यू होगी के बीच में। अब जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो, ये बात ध्यान रखना, के बीच कोई वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एम का रोल क्या है, हमें पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये गिवन है, तो इसका यूज भी करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पर जीरो आ रही थी, तो अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। ये बात हमें दी है क्वेश्चन में कि कॉन्टिन्यूअस है।
तो हमें पता है कि f की वैल्यू जो 0 पर है वही f की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस पर होगी, ठीक है। और f की वैल्यू 0 पर है क्या, 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 से कम पर आनी क्या चाहिए, 0। सो फंक्शन की वैल्यू 0 से कम यानी कि लेफ्ट लिमिट जो है ये चीज किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के, यानी कि -1 की पावर m इंटू 0 की पावर m इंटू -1, 1 जो है वो आना क्या चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। इधर देखो, अब देखो ये जो है ये 0 कब आएगा, जब इन तीनों में से कोई एक 0 हो, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक 0 होगा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। अब हमें पता है कि -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, कोई वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू 0 हुई तब तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। अगर वो वैल्यू सपोज 0 ना हो के कुछ और हुई, 1/2, √3/2, 1/√2 या फिर 1-1 कुछ भी, तब उस केस में ये वैल्यू तो 0 है नहीं और इसकी वैल्यू हमेशा प्लस या माइनस 1 आती है। तो कहने का मतलब 0 हमें दे कौन सकता है, सिर्फ ये चीज क्या हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में 6.1 में इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताई थी कि 0 की पावर जो 0 है वो कभी भी 0 नहीं होता या फिर 1 भी नहीं होता, इसे हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या फिर इसे आप कह सकते हो इसका अस्तित्व नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अगर m की वैल्यू आपने कर दी 0, क्या कर दी m की वैल्यू 0 कर दी, तो 0 की पावर 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, तो ये जो कंप्लीट है वो 0 तो हो नहीं सकता, हमें इसको 0 बनाना है, हमारा टारगेट ये है क्योंकि हमें इक्वल में 0 चाहिए, तो हमें फाइंड करना है कि m क्या हो सकता है। तो वहीं से आपका सॉल्यूशन निकलेगा कि m जो है 0 से बड़ा होगा, तो m 0 तो नहीं हो सकता, ये बात हमें पता चल गई, क्योंकि 0 हो गया तो ये दिक्कत करेगा। अगर m मान लो छोटा हुआ 0 से, तो 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2, तो मान लो अगर m -1 हुआ तो 0 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1, तो x की पावर -1 होती है तो इसे क्या लिखते हो, 1/x, तो 0 की पावर -1 हो गई तो इसे क्या लिखोगे, 1/0 लिखोगे, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो देखो ये तो क्या है, प्लस माइनस 1, यहाँ आ गया आपका इनफिनिट, इन्फिनिटी आ गया, और यहाँ पर कोई एक वैल्यू आएगी इसके बीच की, तो तीनों को जब गुना करेंगे तो 0 तो आएगा ही नहीं, यानी कि ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, लेस देन वाली। तो कहने का मतलब क्या है कि जो m है आपका वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। देखो m इक्वल्स टू 0 हमने रख के देख लिया पॉसिबल नहीं है, 0 से लेस देन भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल होगा। तो m 0 से बड़ा क्या होता है, मान लो 1 2 3 कुछ भी, तो 0 की पावर 1 करोगे तो 0, 0 की स्क्वायर करोगे तो 0, यानी कि m अगर 0 से बड़ा कुछ भी लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और इसको इक्वल हमें 0 के ही करना था। तो इसका मतलब क्या है कि जो m है हमारा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है कि m जो है वो हम कैसे बता सकते हैं कि 0 से बड़ा होगा, तो ये हमारे पास इसका तरीका है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। सो देखो इसी के सेकंड पार्ट में हमें इसने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएबल, यानी कि हमें गिवन क्या है कि जो फंक्शन है हमारा वो फंक्शन जो है एक्स इक्वल्स टू 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हमें प्रूव करना है कि इस बार आपका जो m होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर 0 पर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब आपका LHD और RHD क्या है, इक्वल है, ये बात हमें समझ में आ गई। सो LHD जो है वो क्या होता है, LHD फाइंड करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, एफ की वैल्यू a पर अपॉन में माइनस h, a की वैल्यू कितनी है 0 पर हमें चेक करना है, तो a के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 0 यहाँ पर लिख दिया। फंक्शन की वैल्यू चाहिए 0 से कम पर, तो 0 के इक्वल तो है नहीं, तो इसका यूज करना है, यानी कि x के प्लेस पर माइनस एच लिख सकते हो, 0 का मतलब नहीं है कोई, तो माइनस एच की पावर m cos 1/-h, 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो 0 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो, अपॉन में क्या है, माइनस का h। अब देखो यहाँ माइनस एच की पावर कितनी है, 1 है, इसको ले जाओगे ऊपर, यहाँ m है तो ये 1 क्या चला जाएगा, माइनस 1 में, तो माइनस एच की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1, और इनटू में क्या है आपके पास, cos 1/h, माइनस है तो इसको मैं प्लस लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो एक फॉर्मूला पता है जो हमने बहुत बार यूज कर लिया, आपको भी पता चल गया अब कि कोस जो है माइनस थीटा पर क्या होता है, प्लस का कोस थीटा। सो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखो
इसको हम अगर सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं आगे, आर एच की आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करवा दूंगा। अगर यहाँ से आपने लिमिट हटाई, ध्यान देना ठीक है, अगर यहाँ से लिमिट हटाई तो इस एच की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, माइनस को छोड़ो, चलो माइनस जीरो तो जीरो ही होता है, लिमिट को हटा दिया तो यहाँ जीरो आ गया, तो जीरो की पावर क्या है, एम माइनस वन है, ठीक है, इनटू में क्या है, कोस वन अपॉन एच है, यानी कि वन अपॉन जीरो है, तो जीरो की पावर क्या है, एम माइनस वन इंटू में वन अपॉन जीरो क्या होगा, कोस इन्फिनिटी, कोस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें गिवन क्या है कि फंक्शन जो है जीरो पर क्या है, वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है तो LHD और RHD होने क्या चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब आप इसका RHD फाइंड करोगे वो भी सेम यही चीज आ जाएगी, बस यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है, इसका जब RHD आप फाइंड करोगे तो वो आपका क्या आएगा, H की पावर है माइनस वन, ठीक है, यहाँ आ जाएगी लिमिट H टेंडिंग टू जीरो और सेम वही cos वन अपॉन H, ये आपका RHD आ जाएगा लास्ट में जो आप करोगे, क्योंकि प्लस प्लस माइनस का ही चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ भी लिमिट जब हटाओगे तो जीरो की पावर क्या आएगी, एम माइनस वन और इनटू में सेम यही चीज कि माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, यहाँ तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता, तो जब ये दोनों ही जीरो के इक्वल हो जाएंगे तब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, समझ में आई बात, यानी कि ये भी जीरो के इक्वल हो और ये भी जीरो के इक्वल हो, ठीक है ना, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो ये तो है नहीं जीरो के इक्वल, ये तो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इस वाले पार्ट को हम सोच रहे हैं कि ये अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ये होना क्या चाहिए, जीरो। अब m माइनस वन पर तीन कंस्टेंट हम लगाएंगे सेम उसी टाइप से कि जो m माइनस वन है हमारा, या तो वो जीरो के इक्वल हो जाए, या वो जीरो से छोटा हो जाए, या वो जीरो से बड़ा हो जाए। अगर m माइनस वन हमारा जीरो के इक्वल हो गया तो यहाँ जीरो की पावर क्या हो जाएगी, जीरो, ये कभी भी जीरो होता ही नहीं, ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, गलत हो गया। अगर m माइनस वन जीरो से छोटा हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो से छोटी है, तो जीरो से छोटा क्या होता है, माइनस वन समझ लो, तो m माइनस वन की जगह मैंने माइनस वन लिखा तो ये क्या हो गया, वन अपॉन जीरो, ये क्या होता है, इन्फिनिटी, हमें तो इक्वल में जीरो चाहिए था, तो ये भी जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ भी क्या हो गई, गलत हो गई, जैसे अभी करा ना कॉन्टिन्यूटी वाला, सेम उसी टाइप से हो रही है। तो ये दोनों केस तो कैंसिल हो गए, ये बच गया, तो यही आपका सही है, यहाँ पर जीरो है, सॉरी, यही आपका सही है। कैसे सही है, इसको आप थोड़ा सा चेक भी कर सकते हो इसी टाइप से, जैसे ये दोनों चेक किए, ठीक है, एम माइनस वन की वैल्यू जीरो से बड़ी चाहिए, तो जीरो से बड़ा क्या होता है, कुछ भी वन टू थ्री कुछ भी रख लो, तो जीरो की पावर वन जीरो है, टू रखोगे तो भी जीरो है, यानी कि एम माइनस वन को जीरो से बड़ा कुछ भी लो तो ये ट्रू है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि एम माइनस वन क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, माइनस वन को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये आपका आंसर है और यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, एक बार फिर से इसको देख लेना, इसी का जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, एक एक बार दोबारा समझ लेना अच्छे से, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको जो है नए नए जो लेक्चर्स इसके बाद आएंगे वो आपको पता चलता रहे, कोई आपका लेक्चर मिस ना हो। ओके, थैंक यू।